और अब कुछ खबरें तिजारती दुनिया से। कसाद बाजारी के खदशात के पेश नज़र आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी मंडी में तेल की कीमतें तकरीबन 1% कम होकर 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 1.07 डॉलर यानी 1.3% कमी के बाद 81.59 डॉलर फी बैरल पर आ गई, जो कि फरवरी के बाद कम से कम कीमत के अलावा अमरीकी खाम तेल वेस्ट है। टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 94 सेंट्स यानी 1.2% कमी के बाद 75.72 डॉलर फी बैरल पर आ गई है। रमज़ान की आमद से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद चीनी भी महंगी कर दी गई। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाली चीनी फ़ी किलो 2 रुपये महंगी कर दी गई, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली चीनी की कीमत 89 से बढ़कर 91 रुपये किलो हो गई। चीनी की कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अफराद के लिए चीनी की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक चीनी महंगी होने की वजह से GST टैक्स में 2 रुपये का इजाफा है। मार्केट में इस वक्त भी चीनी 105 रुपये फी किलो है। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर पर कटौती के साथ रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक महंगाई में होशरुबा इजाफे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ में बड़ी कमी कर दी गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रमजान पैकेज में 3 अरब 28 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी। यूटिलिटी स्टोर पर 4 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपये का रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया गया, जबकि गुज़श्ता साल PTI हुकूमत ने 8 अरब 28 करोड़ रुपये का रमजान पैकेज दिया था। इस साल रमजान पैकेज टारगेटेड और अनटारगेटेड सब्सिडी पर मुश्तमिल होगा। पैकेज के तहत 19 अशियाओं पर सब्सिडी दी जाएगी।